आज हमारे पास है इंडियाज़ फेवरेट SUV टोयोटा फॉर्चूनर लेजेंडरी है। जो मॉडल आप देख रहे हो इसका टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है। स्पेशली ये जो वर्जन आप देख रहे हो ये 4x2 वेरिएंट है। इसके अंदर आपको दो वेरिएशन देखने के लिए मिलता है, एक 4x2 एंड 4x4। इसके अंदर आप टोटल बात करते हैं प्राइजेस क्या देखने मिलते हैं, वर्जन क्या देखने के लिए मिलते हैं, प्रोज एंड कॉन्स, और साथ ही साथ वर्डिक के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आपको ये गाड़ी खरीदनी चाहिए, शॉर्ट लिस्ट करनी चाहिए या तो अवॉइड करनी चाहिए। तो ये आप देख सकते हो ये है नया 2023 का फॉर्चूनर लेजेंडर, इंडिया फेवरेट लग्जरी SUV। तो सबसे पहले एक्चुअली में इसके वर्जन एंड प्राइजेस के बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर आपको दो वर्जन देखने के लिए मिलता है लेजेंडर के अंदर, एक मिलता है आपको 4x2 और एक मिलता है 4x4। जो आपको 4x2 देखने के लिए मिलता है वो मिलता है 53,49,000 रुपीज़ के आसपास ऑन रोड मुंबई के अंदर, और जो 4x4 वाला है वो आपको अप्रॉक्सीमेटली 58 लाख रुपीज़ के आसपास मिल जाएगा ऑन रोड मुंबई के अंदर। आपके जो नज़दीकी टोयोटा की डीलरशिप्स है वहाँ पर आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, बिकॉज एरिया वाइज जो प्राइजेज है वो डिफर करते हैं। सबसे पहले एक्चुअली में इसके इंजन की तरफ चलते हैं। जस्ट लुक एट द इंजन, कितना ज़्यादा अच्छा, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है देखने के अंदर। आपको इसके अंदर टोटल एक्चुअली में CC देखने के लिए मिलता है 2700 CC का इसके अंदर इंजन देखने के मिलता है। नंबर ऑफ सिलेंडर्स आपको इसके अंदर 4 देखने के लिए मिलते हैं, और जो ट्रांसमिशन टाइप है ऑल्दो आपको अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक देखने के लिए मिलता है, आपको इसके अंदर मैनुअल देखने नहीं मिलता है, बट जो ऑटोमेटिक है उसके अंदर आपको शिफ्टर्स देखने के लिए मिलते हैं। जो टोटल मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है वो करता है 201 BHP ऑफ पावर। इट्स अ मॉन्स्टरस व्हीकल एक्चुअली में, जैसा दिखता है वैसा है भी। और साथ ही इसके अंदर मैक्स टॉर्क जो देखने के लिए मिलता है इसके अंदर 500 Nm का इसके अंदर आपको टॉर्क देखने के लिए मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया एक्चुअली में एक लग्जरी SUV है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो ट्रांसमिशन है वो ऑटोमेटिक देखने मिलता है, और जो बॉडी टाइप है आप देख सकते हो लुक्स रियली गुड। ये SUV है लग्जरी, आप देख सकते हो जो पूरा इंजन जो सेट कर रहा है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लुक्स रियली गुड। यहाँ पर आप बैटरीज वगैरह देख सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव्स एंड एवरीथिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा टैंक देखने मिल जाता है आपको, और यहाँ पे आपको ऊपर एक केज देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आप कूलेंट वगैरह चेक कर सकते हो, इंजन ऑयल वगैरह चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको पावर स्टेयरिंग का फ्यूल देखने के मिलता है, यहाँ पे आपको कूलेंट का देखने मिलता है, आपको यहाँ पे टर्बो देखने के लिए मिल जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पे आप चेसिस वगैरह पूरा ओवरऑल देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ऑल दो इसके अंदर आपको किसी भी किस्म के हाइड्रोलिक्स देखने नहीं मिलते हैं। सो चलिए इसके एक्सटीरियर्स के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, चलते फ्रंट की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको DRLs देखने के लिए मिल जाते हैं, प्रोजेक्टर लैंप्स देखने के लिए मिल जाते हैं, दो हाई बीम एंड लो बीम। ये हाई बीम आप देख रहे हो अभी अपना, ये वाला लो बीम का। यहाँ आप DRLs देख सकते हो, लुक्स रियली गुड, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे आप नीचे फॉग लैंप्स देख सकते हो जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा थ्रो देगा। एक्चुअली में आप जो साइज़ देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, बट द थ्रो इज़ रियली अमेजिंग हियर। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स वगैरह देखने मिल जाता है, और यहाँ नीचे आप देख सकते हो एक और एडिशनल यहाँ पे DRLs आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब चलते हैं फ्रंट की ग्रिल की तरफ। यहाँ पे आप पियानो ब्लैक फिनिश देख सकते हो, और जो व्हाइट कलर देख रहे हो ना इसके अंदर एक्चुअली में आपको स्पार्कल दिखेगा, डायमंड फिनिश है, सो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम, काफ़ी ज़्यादा लग्जरी फिनिश देता है ये। अब चलते हैं मेन के, यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेन एनुअल है टोयोटा का काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जो ग्रिल्स है वो लुक रियली गुड, और वेंटिलेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ से आप एक्चुअली में हर पर देख सकते हो ग्रिल को, एज यू कैन सी। साथ ही साथ यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पे आपको कैमराज वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे पूरा नीचे रेडिएटर है, फॉर्चूनर लेजेंड की बैजिंग देखने मिल जाती है। यहाँ से आप नीचे देख सकते हो आपको पूरे नीचे ब्लैक कलर की रेलिंग देखने के लिए मिलती है, जो कि आपको नीचे से पूरा और से प्रोटेक्ट करती है। अब चलते हैं इस साइड, यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपको पूरा ब्लैक ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है ओवरऑल पूरा नीचे की तरफ। जो फ्रंट आपको जो टायर देखने के लिए इसके अंदर मिलते हैं वो टोटल 18 इंचेस के देखने के मिलते हैं, जो ब्रिजस्टोन की तरफ से है, 265/60। अब आप देख सकते हो डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखने के मिलते हैं, और जो चारों ब्रेक्स है वो आपको डिस्क ब्रेक्स देखने के मिलते हैं। जो टर्निंग रेडियस है इस गाड़ी का एक्चुअल में 5.8 मीटर्स का आपको देखने के लिए मिलता है, बट फॉर दिस व्हीकल काफ़ी ज़्यादा अच्छा टर्निंग रेडियस मिलता है आपको। यहाँ पे आप जो देख सकते हो आपको फुट ट्रैप्स से सब देखने के लिए मिलता है, बट ये ऑटोमेटिक नहीं है, ये फिक्स्ड ओनली है। यहाँ से आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा देखने को मिलता है, नीचे देख सकते हो पूरे आपको अच्छी खासी गाड़ी देखने मिलती है। यहाँ पे आप जो पूरा का पूरा आप फ्रंट के अंदर सस्पेंशन सिस्टम देख रहे हो एक्चुअली में टोयोटा का विशबोन सिस्टम है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके अंदर आपको एक्चुअली में एडजस्टमेंट वगैरह भी देखने मिलते हैं, जो कि मैं आपको इंटरनल इंटीरियर के अंदर बताने वाला हूँ। अब चलते हैं पीछे की तरफ, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको पूरे के पूरे ऑटोमेटिक देखने के लिए मिलते हैं साइड मिरर्स, और जो कि एडजस्टेबल वो भी आपको इंटीरियर में दिखाऊंगा। यहाँ पर आप एक्चुअल में इंडिकेटर देख सकते हो, लुक्स रियली गुड। यहाँ पर आपको हर जगह टोयोटा की बैजिंग देखने के लिए मिलेगी, अटेंशन टू डिटेल इज रियली नाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्रोम वर्क देखने के लिए मिलता है, लुक्स गुड। यहाँ पे भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने के लिए मिलता है। 4x4 के अंदर आपको चारों डोर्स के ऊपर देखने मिलेगा, बट 4x2 के अंदर सिर्फ को पायलट एंड ड्राइवर साइड ही आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लैक ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है, और इस देख सकते हो आपको पूरी की पूरी रूफ जो है वो पूरी की पूरी मैट के अंदर देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको रेलिंग देखने के लिए मिलती है इस कलर के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। अब चलते हैं सेंटर डोर की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको सेंटर का यहाँ पे किसी किस्म का सेंसर वगैरह देखने नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको क्रोम वर्क देखने मिलता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे आपको रबर पैडिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं आपको थर्ड सुनाता हूँ इसका,
काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इसके अंदर किसी किस्म का आपको सॉफ्ट क्लोज डोर देखने नहीं मिलते हैं अनफॉर्चुनेटली। पीछे का भी टायर आपको 18 इंचेस का देखने के लिए मिलता है, 260/60 का देखने मिलता है। रेडियल टायर्स है, ट्यूबलेस डायमंड कट अलॉयज मिलते हैं, बट जो पीछे के डिस्क है वो आपको वेंटिलेटेड देखने के लिए मिलते हैं और जो पूरा का पूरा इसके अंदर 0-80 का ब्रेकिंग टाइम है वो अप्रॉक्सीमेटली 26 मीटर्स का, जो कि फॉर एसयूवी दिस साइज़ इतना बड़ी एसयूवी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं पीछे के सस्पेंशन की तरफ। जो पीछे के सस्पेंशन आप देख सकते हो, एक्चुअल में ये स्प्रिंग सस्पेंशन आपको देखने के लिए मिलते हैं, बट ये कॉयल वाले सस्पेंशन है तो दे डू द जॉब रियली वेल। एक्चुअली में आप टायर का साइज़ देख सकते हो, व्हील्स भी आप क्लोजली देख सकते हो, लुक्स रियली गुड। ये डायमंड कॉट आपको देखने के लिए मिलता है पूरा। अब चलते हैं बैक की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको LED टेल लाइट्स देखने के लिए मिलती हैं, यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स और यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग का देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको लेजेंडर की बैक देखने मिल जाती है, इनके साथ भूल गए कौन सी गाड़ी है यहाँ पे। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फॉर्च्यूनर देखने के लिए मिलता है, पियानो ब्लैक में लिखा हुआ, लुक्स रियली गुड। यहाँ पे नंबर प्लेट का देखने मिल जाता है, आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं यहाँ पर, और आपको जो कैमरा है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलता है छोटा सा, और साथ ही साथ इसके अंदर एक्चुअल में किक सेंसर भी है जिसकी वजह से आप बेसिकली इस जगह पर आप साइलेंसर देख सकते हो, लुक्स रियली गुड। यहाँ पे आपको जो स्पेयर व्हील है नीचे देखने के लिए मिलता है, साइज इसका अप्रॉक्सीमेटली सेम ही आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको एक्चुअल में किक सेंसर देखने के लिए मिलता है जिसकी वजह से आप जैसे ही किक करोगे जो बूट स्पेस है वो खुद ब खुद ओपन हो जाएगा। अब ये उन जगहों पे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है अगर आपके हाथ दोनों के दोनों पूरे के पूरे बिजी हो और आपको बूट स्पेस आपको खोलना हो। यहाँ पर आप देख सकते हो नंबर प्लेट्स की आपको लाइट्स देखने के लिए मिल जाती है, यहाँ पर आपको टोयोटा की बैजिंग देखने मिल जाती है, आपको रियर वायर देखने मिलता है, यहाँ पर ऊपर एक और आपको एडिशनली ब्रेक लाइट देखने के लिए मिलती है। लुक्स रियली गुड, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ नीचे यहाँ पर एक और आपको ब्रेक लाइट देखने के लिए मिलती है, और यहाँ पर आपको ब्लैक कलर का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है, जो ब्लैक पियानो ब्लैक है और मैट ब्लैक का जो पूरा ट्रीटमेंट आपको ओवरऑल गाड़ी के बॉटम पार्ट में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो गाड़ी का ओवरऑल पेंट है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहता है। इसके बूट स्पेस के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आपको इन्फोग्राफिक्स देखने मिल जाती है, वार्निंग्स एंड ऑल। यहाँ पे आपको क्लोज का बटन भी देखने के लिए मिल जाता है, बट बात करते हैं मेन बूट कैपेसिटी की। इसके अंदर आपको एक्चुअल में 293 लीटर्स का बूट कैपेसिटी देखने के लिए मिलती है अगर आप जो लास्ट रो है उसको इंक्लाइन रखते हो तो। अगर आप इसे टंबल कर देते हो तो आपको अप्रॉक्सीमेटली मोर देन डबल बूट स्पेस देखने के लिए मिल जाती है, बट जो ये टंबल करने का तरीका आप यहाँ पर देख सकते हैं, सीट ऑलरेडी लगी हुई है, साइडवेज है, ऐसा फ्रंट में टंबल नहीं होता है। सो दैट्स वन थिंग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। आपको पीछे ना दो ही सीट्स देखने के लिए मिलती है फॉर ओनली टू पीपल, और आप पीछे देख सकते हो मिड जो रो है वो मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, तो आप पीछे सिर्फ और सिर्फ बच्चों को बिठा सकते हो, इट्स नॉट रियली प्रैक्टिकल फॉर अडल्ट्स। चलिए अब इंटीरियर के बारे में बात करते हैं, पहले चलते हैं इसकी बैक रो की तरफ। तो आप डोर पे एक्चुअल में देख सकते हो, यहाँ पे आपको फॉर्च्यूनर की बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है, जस्ट इन केस आप भूल जाओ कि आप कौन सी गाड़ी में बैठे हो। यहाँ पे आपको फुल ब्लैक लेदर प्लास्टिक का देखने के लिए मिलता है, ये पूरा लेदर आपको देखने के लिए मिलता है, रेड कलर का स्टिचिंग भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने मिलती है। यहाँ पे आपको विंडो कंट्रोल देखने मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको क्रोम के हैंडल्स हैं, यहाँ पे लॉक का देखने मिल जाता है, यहाँ पे आपको डिसेंट सा एक्चुअल में स्पेस देखने के लिए मिलती है पीछे, और यहाँ पे आपको स्पीकर सिस्टम देखने के लिए मिल जाता है टोयोटा की तरफ से, विच साउंड्स अमेजिंग, आपको आगे सुनाता हूँ मैं। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह देखने के लिए नहीं मिलती है किसी किस्म की, बट ये जो है पूरी एडजस्टेबल है। यहाँ पे आपको सीट बेल्ट से देखने के लिए मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको कट होल्डर्स देखने मिलता है, हैंडल्स देखने मिल जाता है, आप देख सकते हो लुक्स रियली गुड, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियमनेस है इस गाड़ी के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो जो कुशनिंग है सीट की वो बहुत ज़्यादा अच्छी देखने मिलती है, बट यहाँ पर एक्चुअल में आप सिर्फ दो जन ही को बिठा सकते हो, यहाँ पर आप बीच में किसी बच्चे को बिठा सकते हो। अब बात करते हैं इन सीट्स की प्रैक्टिकलिटी के बारे में। सबसे पहले एक्चुअली में आप मेरी हाइट जानते हो, अप्रॉक्सीमेटली मेरी हाइट है टोटल 6 feet, सो आप देख सकते हो मैं कितना ज़्यादा कंफर्टेबली बैठा हूँ, बट यहाँ पर आपको किसी भी किस्म का थाई सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलता है, दैट्स अ ड्रैग, बट आप देख सकते हो कितना ज़्यादा हेडरूम देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर आपको AC के वेंट्स देखने मिल जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको हैंडल देखने मिलता है, हुक देखने मिल जाता है, यहाँ पर आपको एक और एडिशनल हुक देखने के लिए मिल जाता है जो कि फ्लिप हो सकता है ऐसा, और यहाँ पर आपको मैगजीन होल्डर देखने मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है यहाँ पर। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको एडिशनल स्पेस देखने मिल जाती है, और यहाँ पे आपको चार्जिंग का टाइप सी देखने मिलते हैं पोर्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट चार्जिंग है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था जो बीच में हम्प है उसकी वजह से यहाँ पे कोई भी किसी भी चिल्ड्रन को ही बिठाए तो बेहतर रहेगा, यहाँ पे फॉर अडल्ट इट्स नॉट रियली प्रैक्टिकल। अब मैं आपको एक्चुअली पीछे की सीट बताता हूँ कि आपको जाना कैसे है। यहाँ पे आपको एक लीवर दिख रहा है, इसके बाद आपको प्रेस करना है, सीट पूरी ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी टंबल हो जाएगी और आप इसके पीछे जाया जा सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको डिसेंट सी स्पेस दिख रही है, बट मैं आपको ये बोलूँगा जो पीछे है वहाँ पर किसी चिल्ड्रन वगैरह को ही बिठा सकते हो, बट फॉर अडल्ट इट्स नॉट प्रैक्टिकल बैक देयर। सो काफ़ी इजीली टंबल बैक भी हो जाती है, अगर आपको उसको फॉरवर्ड बैकवर्ड करना है आपको ये लीवर यूज़ करना होगा, और आपको इसको इंक्लाइन और रिक्लाइन करना है तो आपको ये बटन यूज़ करना होगा। चलते हैं एक्चुअली को पायलट की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने के लिए मिल जाता है,
ये जो डोर्स है टोटल, ये सारे के सारे 90 स्प्लिट पे ओपन नहीं होते अनफॉर्चुनेटली, ये अप्रॉक्सीमेटली 80-85 के आसपास ओपन होते हैं। बट आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें डिफरेंट मिलेगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे डोर पे स्पीकर देखने को मिलता है टोयोटा को, विच साउंड्स अमेजिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी 2-zone RGB लाइट्स देखने के लिए मिल जाती है, एम्बिएंट लाइट्स। यहाँ पे आपको क्रोम का हैंडल देखने मिलता है, यहाँ पे विंडो कंट्रोल्स, यहाँ पे कोई डिसेंट स्पेस। जो लेदर का वर्क है एक्चुअल में फ्रंट के अंदर ज़्यादा बेटर किया गया है कंपेयर टू बैक। यहाँ पे आप देख सकते हो रेड कलर का आपको लेदर देखने मिलता है, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग स्टोरेज देखने मिलती है। आप इजीली यहाँ पे 2 लीटर की बॉटल्स ईजिली फिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको स्पीकर देखने मिलता है एक, और यहाँ पे आप देख सकते हो टोयोटा की बैजिंग देखने मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ से आप एक्चुअल में आप इंक्लाइन रिक्लाइन सब कुछ कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिकली, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। आप देख सकते हो यहाँ पे इंक्लाइन भी कर सकते हो। यहाँ पे SRS के एयरबैग की बैजिंग देखने मिल जाती है। जो सीट्स है जो फ्रंट में, वो भी हीटेड और वेंटिलेटेड नहीं है अनफॉर्चुनेटली। यहाँ देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छी फिनिश देखने मिलती है, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स प्रोवाइड की गई। जो हेडरेस्ट आप देख सकते हो उसके ऊपर आपको डिटेलिंग्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। और जो रूफ़ है वो आप देख सकते हो पूरा क्लॉथ देखने के लिए मिलता है, जो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर हैंडल वगैरह देखने मिल जाता है। अब फ्रंट की तरफ चलते हैं, यहाँ पे आपको एक और SRS की बैजिंग देखने मिल जाती है। यहाँ पे आपको AC के वेंट्स देखने मिल जाते हैं टोयोटा के। यहाँ पे आपको लेदर का पूरा ग्लव बॉक्स, यहाँ पे आपको फॉर्च्यूनर की बैजिंग देखने मिल जाती है। यहाँ पे आपको की का लॉक बटन भी देखने मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये जो ग्लव बॉक्स है वो एक्चुअली में वेंटिलेटेड है बट हीटेड नहीं है, सो प्लीज़ ये बात याद रखें। आपको प्लास्टिक काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है। यहाँ पे आपको कप होल्डर वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ है ये। बट ये जो प्लास्टिक है काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, बट ये जो लेदर है लुक्स रियली गुड, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है देखने में। और यहाँ पे आपको एडिशनली एक हैंडल देखने मिलता है। अब चलते हैं एक्चुअल में ड्राइवर की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने मिलता है, की होल देखने मिल जाता है। इसके अंदर आपको 2 स्टॉप्स देखने मिलते हैं, एक यहाँ पर देखने मिल जाता है, एक यहाँ पर देखने मिल जाता है। सो 2 स्टॉप्स। पहली बात तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगते हैं कंट्रोल्स, जो क्वालिटी है लुक्स रियली गुड। यहाँ पे एक्चुअल में आपको लाइट्स देखने के लिए मिलती है, जो कि टोयोटा प्रोजेक्ट करती है, वो आप एडिशनली लगवा सकते हो। यहाँ पे आपको डोबीज मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको लिक्विड एक्चुअल में एग्जिट करने के लिए यहाँ पर भी दिया हुआ है रेन का। यहाँ पे आपको अमेजिंग स्टोरेज देखने मिल जाती है, या स्पीकर देखने मिलता है, यहाँ पे आपको विंडो कंट्रोल्स देखने मिल जाते हैं, पूरा का पूरा लॉक अनलॉक एंड एवरीथिंग। यहाँ पे आपको 4 विंडो कंट्रोल्स, 1 टच डाउन आपको देखने के लिए मिलता है ड्राइवर साइड, और 1 टच अप भी देखने मिलता है, विच इज़ अमेजिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो साइड मिरर के कंट्रोल्स आपको देखने मिल जाते हैं, लेफ्ट राइट एंड न्यूट्रल। और यहाँ पे आपको लॉक एंड आपको यहाँ पे एम्बिएंट लाइट्स का देखने के लिए मिल जाता है। अब चलते हैं मेन की तरफ, अंदर साइड बात करते हैं इस कंट्रोल्स के बारे में। यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप का देखने के लिए मिल जाता है, बट आपको जो हैंड ब्रेक है वो मैनुअल देखने मिलता है। यहाँ पे आपको पार्किंग का देखने मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल का देखने मिल जाता है, बूट स्पेस वगैरह सब कुछ यहाँ मिलता है। यहाँ पे आपको फ्यूल का देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पर आपको बूट स्पेस का देखने मिल जाता है। अब नीचे आपको देख सकते हो आपको ब्रेक लीवर देखने मिलता है, और साथ ही साथ एक एक्सी का देखने मिल जाता है, बस बिकॉज इट्स अ ऑटोमेटिक व्हीकल। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको एडिशनली कप होल्डर देखने के लिए मिल जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको AC वेंट्स देखने मिलते हैं। अब बात करते हैं मेन स्टीयरिंग व्हील की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको SRS की बैजिंग देखने मिल जाती है, यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल का देखने को मिल जाता है ऑप्शन। जो क्वालिटी है इसकी इट्स रियली अमेजिंग। यहाँ पे आपको पियानो बैक फिनिश देखने मिलती है, यहाँ पे और यहाँ पे आपको पैडल शिफ्टर्स देखने मिलते हैं, विच वर्क्स फैंटास्टिक इन स्पोर्ट्स मोड। मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पे आपको कंट्रोल्स देखने मिल जाते हैं, नेविगेशन का, ओके, बैक, कॉपी एंड एवरीथिंग। यहाँ पे वॉल्यूम मोड होल्ड का मिल जाता है, यहाँ पे आप फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कर सकते हो। यहाँ पे आप वॉइस असिस्टेंट वगैरह यूज़ कर सकते हो अगर आपका फोन कनेक्टेड है। यहाँ से पिक भी कर सकते हो कॉल, और उसका रिजेक्ट भी कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसकी जो क्वालिटी है इट्स रियली अमेजिंग। इससे पहले गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, आप थर्ड सुन सकते हो, अमेजिंग थर्ड है इसमें। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा देखने के लिए मिलता है, पूरा एनिमेशन देखने मिलता है आपको। ये जो लेफ्ट पे ना देखने मिल रहा है, ये पूरा का पूरा RPM मीटर है। ये जो आप राइट में देख रहे हो स्पीडोमीटर है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड है 200 km/h। ऑल्सो ये गाड़ी 200 जाती है, सो इट्स नॉट फेक हियर। यहाँ पे आप देख सकते हो P5 की बैजिंग देखने मिल जाती है, यहाँ पे आपको हाई बीम लाइट्स वगैरह के कंट्रोल्स देखने मिल जाते हैं, जो कि आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं। ये पूरा का पूरा मैट फिनिश में देखने मिलता है। यहाँ पे आपको लाइट के कंट्रोल्स, इंडिकेटर्स वगैरह सब कुछ यहाँ देखने मिलता है। आप देख सकते हो हाई बीम इज़ रियली पावरफुल, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं, पैडल शिफ्टर्स भी यहाँ पे देखने मिलते हैं। और यहाँ पे आपको नेविगेशन बार के अंदर यहाँ पे नीचे फ्यूल का गॉग देखने मिल जाता है, और यहाँ पे आपको पार्किंग लाइट, हजार्ड लाइट्स, साथ ही साथ ACU और ABS की लाइट्स मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको सीट बेल्ट की, लो फ्यूल की, और आपको यहाँ पे लीकेज वगैरह की लाइट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। अब नेविगेशन सिस्टम के अंदर जो काम है आप इसकी मदद से करोगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप म्यूज़िक में जा सकते हो, इन्फॉर्मेशन के अंदर जा सकते हो, कितना माइलेज मिल रहा है, कितने रेंज बची, आप सब कुछ चेक कर सकते हो। म्यूज़िक, FM सब कुछ यहाँ से हो सकता है। मैसेजेस, अलर्ट, जो भी आपका सिस्टम दे रहा हो आपको यहाँ देखने मिलेगा।
यहाँ पे आपको सेटिंग्स वगैरह भी देखने मिलेगी जिसके वजह से आप मॉडिफाई कर सकते हो। सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पे आपको नीचे एक्चुअल में होल्ड टू रीसेट देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे आपको टोटल नीचे ऑडोमीटर देखने मिलता है आपके टोटल किलोमीटर्स के साथ, यहाँ पर भी आपको एक्चुअल में हैंडल देखने मिलता है। बट मुझे एक बात समझ में नहीं आई ड्राइवर के लिए एक्चुअली में व्हाट इज़ द पॉइंट पुटिंग इट हियर, उस ड्राइवर को एक्चुअल में ज़रूरत नहीं है बिकॉज ड्राइवर को सामने देखना है, सो दैट्स वन थिंग। बट यहाँ पे आपको एडिशनल हैंडल, यहाँ पे SRS की बैजिंग देखने मिल जाती है, एडिशनल स्पीकर और जो मिरर्स है उसके अंदर एक्चुअल में आपको लाइट भी देखने मिलती है और मिरर भी देखने मिलता है, विच इज़ एन अमेजिंग फीचर, दोनों जगह मिलता है। जो मिरर है वो आप देख सकते हो रिवर व्यू, आपको कैमरा वाला देखने नहीं मिलता है, आपको ऑटो वाला मिलता है विच इज़ गुड। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको एनालॉग क्लॉक देखने मिलती है, आपको ऐसी इवेंट्स वगैरह फास्ट करने के देखने मिलते हैं, हज़ार्ड लाइट देखने के लिए मिल जाती हैं। और जो पूरा का पूरा इन्फोटेनमेंट सिस्टम है वो एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पर कारप्ले के साथ आता है। अब सबसे पहले एक्चुअल में आपको चैनल्स वगैरह के बटन देखने मिलते हैं, ट्रैक फॉरवर्ड बैकवर्ड फोन्स के ऐप्स के बटन देखने मिल जाते हैं, ट्यून कर सकते हो आप, साथ ही साथ यहाँ पर वॉल्यूम वगैरह कर सकते हो, ऑडियो ऑफ एंड ऑन कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन ऑडियो मेन्यू होम वगैरह ऑप्शन देखने मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो सीट बेल्ट एयरबैग्स वगैरह आप ऑफ एंड ऑन कर सकते हो विच इज़ अ हैंडी फीचर या साथ ही साथ यहाँ पर आपको AC के क्लाइमेट कंट्रोल का पूरा देखने मिलता है। ऑटो पे कर सकते हो आप, इसे ऑफ भी कर सकते हो यहाँ से, AC इज़ रियली पावरफुल हियर। और यहाँ पे आपको एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा डाइल्स वगैरह दिए हुए ताकि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। यहाँ पे आप डुअल AC कर सकते हो, टोटल AC चालू कर सकते हो, रियर वेंटिलेशन मोड्स हैं यहाँ पे, फैन की स्पीड्स वगैरह फ्रंट रियर सब कुछ मिलता है यहाँ पे देखने। यहाँ पे आपको एडिशनल एक हुक देखने मिल जाता है सिगरेट्स वगैरह के लिए, और यहाँ पर आपको USB टाइप बी देखने के लिए मिलते हैं जो कि अपना ओल्ड स्कूल USB है। यहाँ पे आपको लेफ्ट एंड राइट के एयर वेंट्स देखने मिल जाते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे एक्चुअल में आपको वायरलेस पैडिंग देखने मिल जाती है, यहाँ पे आपको बटन देखने मिल जाते हैं, और साथ ही साथ ये आप देख सकते हो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम यहाँ पे कप होल्डर देखने के लिए मिलता है। और द गुड थिंग इज़ यहाँ पे आप एक्चुअल टॉगल भी कर सकते हो ऑफ एंड ऑन विच इज़ अ गुड। अब बात करते हैं एक्चुअल में इसके गियर सिलेक्टर के बारे में, ये ऑटोमेटिक वेरिएंट आप देख रहे हो, इसके अंदर सिर्फ ऑटोमेटिक ओनली आता है। 3 मोड्स आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं, इको नॉर्मल एंड स्पोर्ट मोड। जो स्पोर्ट मोड है इसके अंदर एक्चुअल में आपको पैडल शिफ्टर का एक्सेस देखने के लिए मिलता है। जो माइलेज है वो आपको एक्चुअल में नॉर्मल और इको पे आपको 12 देखने मिलेगा, आपको स्पोर्ट्स पर अप्रॉक्सीमेटली 7-80 देखने मिलेगा, डोंट एक्सपेक्ट मोर देन डैट। अब बात करते हैं इसकी गियर सिलेक्टर के बारे में, ये ऑटोमेटिक वेरिएंट आपको पार्किंग रिवर्स न्यूट्रल और मैनुअल मोड में देखने को मिलता है जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पर आपको एडिशनल स्विचेस देखने मिलते हैं और ट्रैक्शन कंट्रोल का यहाँ पर भी आपको बटन मिलता है एडिशनल, और यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ा आर्मरेस्ट देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है लेदर फिनिश के साथ। अब इसे ओपन करते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर आपको किसी किस्म का चार्जिंग पोर्ट्स वगैरह देखने नहीं मिलते, बट आपको नीचे पैडिंग देखने मिलती है तो आप यहाँ पर कोई भी किस्म के फ़ोन वगैरह लैपटॉप्स वगैरह रख सकते हो इजीली। यहाँ पर आपको मैनुअल हैंड ब्रेक देखने के लिए मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और लेदर फिनिश के साथ मिलता है देखने। और आप ऊपर चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सनग्लासेस वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको वाइट कलर की लाइट्स देखने के लिए मिलती है जो कि है क्लिक बेस्ड टच बेस्ड नहीं है कुछ भी। यहाँ पर यह भी बटन देखने मिलता है, ये वाला भी बटन, और डोर्स की लाइट भी आपको देखने के लिए मिलती है 1 क्लिक के ऊपर। और यहाँ पर इसमें बताया आपको यहाँ पर भी लाइट्स देखने मिलती हैं और यहाँ पर आपको लाइट्स वगैरह देखने मिल जाती है। ये है नया 2023 का फॉर्च्यूनर लेजेंडर 4x2। अगर इसके बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज वगैरह हो तो कमेंट में ज़रूर डालें, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन के अंदर कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएगी शोरूम की, सो डू रीच आउट। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को साथ ही साथ, और भाई को तो इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन पीस आउट।